संगीत एक साधना है, एक थेरेपी है, मन को एक चित कर सुकून का एहसास दिलाता है संगीत। संगीत की ही दुनिया का एक सितारा है विधि शर्मा। सूफी गायकी, गजल और भजन इन्हें सबसे प्रिय हैं। कई फिल्मों में पार्श्व गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाली विधि ने अपने धार्मिक गीत भोर भई आरती से खूब शोहरत बटोरी है। दिन चढ़ गया मेरे अंबे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अंबे, हो रही जय जय कार मंदर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। पान सिंह तोमर, लिसन अमाया, रब्बा मैं क्या करूं और दम मारो दम जैसी फिल्मों में विधि ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। आरती बनावा काहे दीपावा विच बाती मंदर विच आरती जय मां। तो आज हमारे शो में सुरीली आवाज की दुनिया का एक जाना माना नाम विधि शर्मा। विधि, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच श्वेता जी। तो शुरुआत करते हैं, एक संगीत के साथ ही क्यों ना शुरुआत हो जाए जी। अपना पसंदीदा कुछ सुनाना चाहेंगे आप? ज़रूर ज़रूर, मेरा अभी एक रीसेंट रिलीज आया है, एक मीरा का भजन है, कृष्ण भजन, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगी। बंसीवारा 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 आजो मारे देश, बंसीवारा आजो मारे देश, सांवरी सूरत वारी बेस, सांवरी सूरत वारी बेस, आजो मारे देश, बंसीवारा आजो मारे देश, कर गया कॉल अनेक, आऊँ आऊँ कर गया जी, कर गया कॉल अनेक, गिड़ता गिड़ता घस गई भारी, गिड़ता गिड़ता घस गई भारी, आंगड़िया रे रेख, आंगड़िया रे रेख, आजो मारे रे। सो मेलोडियस, थैंक यू, बहुत ही सुंदर। तो ये आपकी लेटेस्ट एल्बम से है? जी जी जी, इस एल्बम का नाम है, एक्चुअली एल्बम नहीं, एक सिंगल है और इसका टाइटल है सीजन्स विद कृष्णा, एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो चूँकि जन्माष्टमी करीब है तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप और इसमें आप क्या नयापन, क्या एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं? जी जी जी, इस सिंगल के बारे में यही कहूँगी, एक तो ये मैंने खुद कंपोज किया है और इसका अरेंजमेंट इतना ब्यूटीफुली किया गया है, मिस्टर कंचमन बबर हैं जिन्होंने इसको अरेंज किया है पूरा म्यूज़िक, और उसमें उन्होंने एक चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, सो इट्स कम आउट वेरी ब्यूटीफुली। और पूरा गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, कोई उसमें काटा छाटी कुछ भी नहीं की, जैसा का जैसा मीरा ने उस पद को लिखा है उसको हमने किया है। और प्रयास ये है कि जो लोग भजन को ज़्यादा नहीं सुनते हैं उन तक ये पहुँचे, भजन भजन ना लगे, भजन ना लगकर वो एक ऐसा गीत लगे कि वो उनके साथ कनेक्ट करे इंस्टेंटली। हाँ, तो मैं इस सवाल पर आना चाहती थी, क्योंकि आपने
भजन को चुना है और आपने पहले भी कई ऐसे भजन गाए हैं जो बहुत पॉपुलर भी हुए। जी जी जी। सो एक ऐसा दरिया है जिसमें आप बहना चाह रही हैं, जिसमें पानी बहुत कम लग रहा है, ऐसा है क्या? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि कई बार जैसे लोग टर्म यूज़ करते हैं ना कि अभी सीज़न थोड़ा कम चल रहा है, अभी आजकल थोड़े से शोज़ जो है उस टाइप के कम मिलते हैं जिस टाइप का म्यूज़िक हम करते हैं, पर डिवोशनल म्यूज़िक इज़ सच अ म्यूज़िक कि उसमें कोई किसी सीज़न की ज़रूरत नहीं है। चाहने वालों की कमी नहीं है। कुछ सुख है, कुछ दुख भी है, कुछ तीज है, कुछ त्यौहार है, हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हर तरह की गायकी, चाहे गज़ल हो, चाहे हर कोई नहीं चाहता हर। करेक्ट करेक्ट। मतलब एक अब थोड़ी जो लाइंस जो डिफाइन करती थी इन जॉनर्स को, वो थोड़ी डिम हो गई हैं। अभी आप देखेंगे गज़ल में सूफियाना गज़लें भी होती हैं, ऐसे ही भजन में भी ये चीज़ डिवोशनल जो हम कहते हैं, डिवोशनल में सूफ़ी भी आ जाता है। कई बार उसमें हम कुछ ऐसी नज़म गा देते हैं, कृष्ण पर कड़ी कई लोगों ने कुछ नज़में भी लिखी हैं, कुछ उर्दू चीज़ें भी लिखी हुई हैं। तो ये जो फाइन लाइंस जो डिफ़ाइन करती हैं, ये अपने आप में बहुत डिम हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऑल पर्वेसिव म्यूज़िक है, डिवोशनल म्यूज़िक। इसमें आप सूफियाना कलाम भी गाते हैं, इसमें आप गज़ल भी गा सकते हैं, इसमें आप फोक भी गा सकते हैं। जैसे ये एक तरीके का राजस्थानी फोक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको आप एक लोक संगीत के तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं, चूंकि वो मीरा से जुड़ा है इसलिए उसमें फोक टच है। उसमें एक फोक टच है डेफिनेटली। तो और क्योंकि ये सधुक्कड़ी बोली में पुराने संतों ने, हमारे संतों ने अपनी वाणियों में जो लिखा है, वो उन्होंने लोक संस्कृति को जन भाषा तक पहुँचाने के लिए, जन आवाम तक पहुँचाने के लिए उसको जन भाषा में लिखा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको ऐसी जनरेशन तक पहुँचाना जो भजन बहुत ज़्यादा नहीं सुनती है, तो बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरा नेफ्यू है, ही इज़ अ 13-year-old बॉय, रॉक म्यूज़िक सुनता है वो, पर भोर भई आरती रोज़ सुबह सुनता है। रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक सुनने वाला बच्चा भी भोर भई आरती रोज़ सुबह विदाउट फेल वो बोलता है, मासी मैं जब तक नहीं सुनता हूँ मेरा दिन नहीं शुरू होता। तो वो चूँकि आपका ही है तो दर्शकों को भी सुना दें। जी 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 जी, ज़रूर ज़रूर। भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अंबे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अंबे, हो रही जय जय कार मंदर बिच आरती जय माँ, हे दरबारा वारी आरती जय माँ, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदर विच आरती जय माँ, सूहे चोले आवारी आरती जय माँ। बहुत सुंदर। थैंक यू। सो अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूँगी। आपने साइकोलॉजी में पढ़ाई की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फिर संगीत की ओर रुझान हुआ कैसे? मैं यही कहूँगी कि सिंगिंग मेरे लिए ऐसे मुझे मिला जैसे हम आम बात करते हैं। 2.5-3 साल की उम्र से जो था मैंने गुनगुनाना गाना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, और सुनती थी, मुझे सुनने का बड़ा शौक था संगीत। और क्योंकि घर में मेरे फादर बहुत अच्छा गाते हैं, प्रोफेशनली ट्रेनिंग नहीं मिली, पर कानों में जब से होश संभाला है तब से संगीत मिलता था, तो सुनती थी और गाती थी। गाने का भी बड़ा शौक था शुरू से, तो गाना पहले आया और साइकोलॉजी बाद में आई। तो मैं लेकिन उसको एक करियर के तौर पे अपनाना, जी वो जी, कैसे जी, हुआ? वो कभी मैंने नहीं सोचा था कि उसको मैं ऐसे करियर की तरह लूँगी, क्योंकि कमिंग फ्रॉम एन एडुकेशनल बैकग्राउंड, राइट, इट यूज़ टू बी अ टैबू, यू कैन से, बोलते थे हाँ गाओ पर साथ में कुछ काम भी करो, ऐसा होता था। पर मुझे समझाने में या कन्विंस करने में बहुत मुश्किल नहीं आई, क्योंकि संगीत को सब लोग बहुत पसंद करते हैं घर पे। कलाकार मेरे जैसा पागल कोई नहीं है घर में जो संगीत कलाकार बने, कभी ऐसा सोचा नहीं था। पर मास्टर्स जब कंप्लीट करी तो धीरे धीरे मैं
तब तक थोड़े थोड़े रिकॉर्डिंग असाइनमेंट्स किया करती थी, और उस दौरान एक सिंग विद रहमान कॉन्टेस्ट हुआ जो फीवर एफएम 104 वालों ने किया, उसमें फाइनलिस्ट बनी। अच्छा। तो जब रहमान साहब के सामने गाया, चेन्नई जाकर उनके स्टूडियो में गाया, तो वापस फ्लाइट में आके पूरा अपना सेल्फ एनालिसिस किया, साइको एनालिसिस किया, टिश्यू पेपर पे सारी चीज़ें लिखी, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी एनालिसिस किया, और उसके बाद फिर आई वाज वेरी श्योर दैट आई हैव टू परस्यू म्यूजिक। मुझे यही लगा कि माइक के सामने आना ही। फिर वो दौर, वो सिलसिला मुझे लगता है अभी थमा नहीं, क्योंकि अभी आपने पंकज जुद्धास साहब, अनूप जलोटा जी, काफ़ियों के साथ आपने जी खजाना किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, कंट्रीज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल, गज़ल फेस्टिवल्स, जो बम्बई में होता है हर साल और जुलाई के महीने में होता है, तो उसमें पंकज जी उसको 18 साल से ऑलमोस्ट अभी होस्ट कर रहे हैं, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उस फेस्टिवल में फ़ीचर करूँ, उसमें गज़लें पेश करूँ, और बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पर पंकज जी, रेखा भारद्वाज जी, अनूप जलोटा जी एंड राजकुमार जी, लेजेंड्स एंड एज वेल एज आर्टिस्ट्स एज वेल, प्लेबैक सिंगर्स ऑल्सो, तो उन सब के साथ दो दिन जो एक्स्ट्रा वेगेंजा था उसका हैंगओवर अभी भी है। तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा आपको उनके संपर्क से? डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत सीखने को मिलता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से आप एज एन आर्टिस्ट किसी भी लेजेंड को अगर क्लोजली परफॉर्म करते हुए देखें और साथ में उनके थोड़ा सा वक्त बिताएं, तो नो डाउट इट्स इक्विवेलेंट टू गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट। जैसा कि जिक्र हुआ खजाना का, और आपको वहाँ कुछ प्रस्तुत करने का मौका भी मिला, जी, तो दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि जाएं ना और आपको सुने। जी ज़रूर ज़रूर, मैं एक वसीम बरेलवी साहब का एक कलाम छोटी सी पेश करती हूँ, छोटा सा गज़ल है, मेरी अपनी कॉम्पोजिशन है। ज़रा सख्त कतरा, ज़रा सख्त कतरा, ज़रा सकतरा, कहीं आज अगर उभरता है, ज़रा सकतरा, कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, जरा सख्त। अमेजिंग, यू वांट टू कंटिन्यू? या थोड़ा प्लीज। इसका एक बड़ा प्यारा शेर है जो मैं आप पे डेडिकेट करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तुम आ गए हो तो फिर चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो फिर चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, चांद। बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक सवाल मेरे मन में आया था कि गज़ल भी उतनी खूबसूरती और भजन भी उतना ही सुंदर, तो कभी एज एन आर्टिस्ट ये क्लैश होता है कि आप किस जॉनर को चुनना चाहती हैं? जैसे कि अनुराधा पौडवाल ने अपने लिए एक अलग जॉनर चुना, पंकज उद्धास जी ने एक अलग किस्म के संगीत में अपना नाम बनाया, तो आपके सामने कभी एक ये सवाल खड़ा होता है कि आप किसको चुनेंगी, गज़ल, फिल्मी संगीत को, या फिर आप भजन की तरफ झुकेंगी? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, इनफैक्ट मैं कभी गाना गाते हुए भी नहीं सोचती। मुझे ऐसा लगता है कि जो हम गा रहे हैं उसमें हम ऐसा रम जाएं कि हमें लगे कि हम यही बेस्ट
गा सकते हैं। और जहाँ तक इन आर्टिस्ट का, इन लेजेंड्स का सवाल है, मुझे लगता है इन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने सब कुछ गाया। नाम इनका भले ही, अब जैसे अनूप जी ने में भजन सम्राट है, पर गाते गज़लें भी हैं और बड़ी इक्वल उससे फवर से ही वो गाते हैं। ओ, मुझे याद आ रहा है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कई विलन्स पहले के आप देखिए, प्राण जी जी जी, प्रेम चोपड़ा, अच्छे किरदार भी निभाए होंगे पॉजिटिव, लेकिन वो नाम जो है उनका एज विलन इतना हुआ। तो यही है कि इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, इन्जॉय करते रहिए जो आप गा रहे हैं, और बाकी सब उसमें छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो। सो व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू विधि? ओह, music is life, music is my life. I cannot imagine living without music. In fact, मैं ऐसे लोगों के बीच रहना ही पसंद नहीं करती जिनको म्यूज़िक ना पसंद हो। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे लोग कैसे होते हैं जिनको म्यूज़िक पसंद ना हो। सो म्यूज़िक इज़ लाइफ, म्यूज़िक इज़ पैशन फॉर मी। इसको कभी प्रोफेशन की तरह, ठीक है प्रोफेशन है हमारा, पर इबादत है, पूजा है। तो ये आवाज़ बचपन से ही ऐसे ही सुरीली, इतनी ही धीमी ऐसे ही थी? नहीं, बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत भी की। आवाज़ तो मतलब मेरी आवाज़ को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ को सुधारने का कोई स्कोप ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। पर बहुत रियाज़ किया है और कर रही हूँ, और रोज़ यही प्रे करती हूँ कि मेरा रियाज़ कभी ना छूटे। आवाज़ को बनाना, आवाज़ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो ठीक है, वो देन है, एक सुर मिलता है, कान मिलता है, दिमाग में भी सुर आता है, वो सब गॉड गिफ्ट है, बट उसके अलावा उस चीज़ पे बहुत काम करना पड़ता है। सो आपने फिल्मों के लिए भी काफ़ी गाया है विधि, नया क्या है आपके किटी में, और कुछ पुरानी फिल्में जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो कुछ? जी जी जी, एक बड़ा मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, सलीम और सुलेमान के लिए एक फिल्म थी, रब्बा मैं क्या करूँ, उसका टाइटल ट्रैक मैंने रिकॉर्ड किया, एंड आई थिंक इट्स अ माइलस्टोन मेमोरी फॉर मी। अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं उस फिल्म के, तो उसका एक छोटा सा सैम्पल मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। यारा बड़ी दिल दरिया है ये चाहते, जिंदगी का एक जरिया है ये चाहते, एक उंस की चिंगारी सी जल उठी, सपनों की फूल झड़ियाँ है ये चाहते, बूंदों में नदियाँ है, लम्हों में सदियाँ है, नजरें उतारूँ या सजदा करूँ, रब्बा मैं क्या करूँ, रब्बा मैं क्या करूँ, रब्बा मैं क्या करूँ, रब्बा मैं क्या करूँ। मेरा दिल करा मैं सुनते ही रहूँ। थैंक यू। एंड व्हाट इज न्यू? एक फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म है, लास्ट जनरेशन ऑफ वाराणसी वीवर्स पे, बुनकर नाम से पिक्चर है। तो उसमें एक झीनी झीनी जो कबीर का लिखा हुआ है, उसी में कुछ शब्द ऐसे ऐड करके उसको रिक्रिएट किया गया है, और वो एक ही गाना है उस फिल्म में जो गाने का मुझे सौभाग्य मिला और हमें सुनने का सौभाग्य मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट फिल्म इज इन स्टोर, दैट विल बी रिलीजिंग वेरी सून। एक और फिल्म है, अ स्ट्रेन स्माइल, जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई, वो भी एक शॉर्ट फिल्म है, बहुत जगह अवार्ड्स भी मिले हैं, एक ही गाना जो मैंने गाया है उसमें। सो इट्स बीन अ वंडरफुल। वुड यू लाइक टू सिंग दैट हियर? झीनी झीनी मैम, नॉट इवन झीनी झीनी, मैं अपना झीनी झीनी गा सकती हूँ। ओके, वी कैन डू दैट। ओके ओके, जाते जाते दर्शकों के लिए, हाँ जी जी, पेश है झीनी झीनी। झीनी झीनी बिल्कुल बिल्कुल, कबीर की ये क्रिएशन है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग इससे एक एनेक्डॉट भी शेयर करूँगी गाने से पहले, कि कबीर पर एक म्यूज़िकल हम लोग करते हैं, जो एक डांस लाइव मेरी कबीर की रेंडिशन होती है, उसमें नरेशन होता है, कोरियोग्राफी है। सो इट्स अ वन आवर कंटिन्यूस म्यूज़िकल, वन ऑफ इट्स काइंड ऑन कबीर। तो उसी में से ये गाना झीनी झीनी मैं पेश करती हूँ। झीनी 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 झीनी
जीने 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 बिने रे चदरिया जीने जीने बिने रे चदरिया जीने 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 काहे के ताना काहे के भरनी काहे के ताना काहे के भरनी कौन तार से बिनी रे चदरिया जीनी जीनी I get so driven by the wordings. Yes. They're so powerful. Certainly. So very powerful. Thanks a lot for being in the show, Vidhi. Thank you so much. Thank you. आज के लिए बस इतना ही. अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल nationalkhabar.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें. हमारे कार्यक्रम को ज़रूर लाइक करें. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.